बीएनसी कॉलेज धमधा पूर्णिया के शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों ने चार सूत्री मांगों के समर्थन में पूर्णिया यूनिवर्सिटी के सामने धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है। शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारी संघ की ओर से कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत चार महत्वपूर्ण मांगे रखी गई है, जिसमें पैतृक विश्वविद्यालय से प्राप्त संचिका एवं स्थलीय जाँच के आधार पर वर्तमान शासी निकाय को अपदस्थ करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने, वर्षों गुजर जाने के बाद फैक्ट फाइंडिंग एवं अविलंब दानदाता घोषित करने संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं योग्य और विधिवत कॉलेज कर्मी को अनुदान देने और फर्जी को वंचित करने संबंधित कार्रवाई की मांग की गई है। ला जो है हम लोग का फैक्ट एंड फाइंडिंग और डॉलर इशू, उसको दाव करके वह मैंने कुलपति महोदय को गुमराह करने के लिए हड़ताल से पहले एक पत्र दिया गया, जिसका कोई वह जबकि उस आवेदन में लगा साथ तो बिल्कुल समीक्षा नहीं किया गया, और उस समीक्षा करने के बदले अपना मन के अनुसार जो है वह एक पत्र दे करके हम लोग को जो है, ताकि यह अपना मांग जो वह फैक्ट एंड फाइंडिंग और डोनर इशू, यह दोनों मामला दब जाए। ये मामला इससे पहले भी कभी उनके हाँ इसके पहले 9/5/22 को हम लोग हड़ताल किए थे, उसमें जो है वह कुलपति महोदय आश्वासन दिए थे 10 दिन के अंदर जो है मामला सल्टा दिया जाएगा, लेकिन हम लोग वेट करते रह गए, फिर बीच में भेंट किए, आवेदन दिए, और आवेदन से वह संतुष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन बीच में दो तीन SN सुमन है और DK झा है, या कुछ आदमी जो पहले से जो है, जो क्या कहते हैं, पूर्व कुलपति के समय से जो है वही गुमराह करते आ रहे हैं, जो कोई फैक्ट एंड फाइंडिंग डोनर इशू सारा मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया। मतलब BC तक पूरा बात सही तरीके से नहीं पहुंचता है। और दूसरी बात, यह जो अनुदान रोकने का जो है, इसमें यह स्पष्ट है जो बिना फैक्ट एंड फाइंडिंग और बिना डोनर इशू का यह विश्वविद्यालय का पत्र है, तब एक मिनट, दोनों जब तक ये नहीं प्राप्त होता है तब तक अनुदान रुका रहेगा। क्या चीज़ का अनुदान रुका हुआ है? सरकारी अनुदान है, वह सरकारी अनुदान आंतरिक स्रोत का जो मैंने कॉलेज में जो रहता है पैसा, वह उसको जो है तब तक वह रुका रहेगा जब तक यह दोनों फैक्ट एंड फाइंडिंग और डोनर इशू का मामला क्लियर नहीं होगा, स्पष्ट सुनिश्चित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वह अनुदान रुका रहेगा। बावजूद वह अपना बीच बीच में जो है वह कुछ मैंने यह समय या लगभग जो है यह डॉलर इशू वाला है 11/2/2021 का है, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, और फैक्ट एंड फाइंडिंग का है 18/1/2021। अभी हड़ताल अनिश्चितकालीन है, उसके बाद अनशन पे जाइए। मतलब ये मांगने को आगे किसी से बातचीत नहीं हुआ, जब ये BC नहीं सुन रहे हैं तो फिर और आगे किसी से? कॉलेज प्रशासक मिला जुला करके जो है वह पहले की तरह है, वह अपना मिला हुआ है, हमारे कॉलेज प्रशासक से मिला हुआ है विश्वविद्यालय प्रशासक, जिसको मैंने सारा मामला को टाल मटोल करके मैंने ठंडे बस्ते में चला जाता है, मैंने दर्जनों से अधिक आवेदन दिए, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा। कौन सा कॉलेज का मामला है आपका? BNC कॉलेज का मामला। आप लोग सभी क्या है? मतलब वहाँ पे क्या है? हम लोग व्याख्याता हैं और कर्मचारी हैं दोनों। फर्स्ट क्रैक